हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पूरे विश्व भर में मरुस्थल कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, और हमें ये देखना है कि ठंडे मरुस्थल हैं या गर्म मरुस्थल हैं। ध्यान आपको ये रखना है पूरे विश्व भर के मानचित्र में कि विषुवत रेखा के पास चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और 35 डिग्री से उत्तर में जाने पर और दक्षिण में जाने पर टेम्परेचर क्रमानुसार कम होता चला जाता है। होता यह है कि विषुवत रेखा से इक्वेटर से जो हवा ऊपर उठती है गर्म होके, वो 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर ऊपर से नीचे उतरती है। उसके ऊपर से नीचे उतरने की वजह से 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर शुष्कता का वातावरण होता है। इसमें एक फैक्टर और जोड़ा जाता है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी भाग उन हवाओं के नीचे ज़्यादातर पड़ता है, इसीलिए 15 डिग्री से लगाकर 30 से 35 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री से लगाकर 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ज्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। ध्यान आपको यह भी रखना पड़ेगा कि मरुस्थलों के बनने या न बनने पर कहीं ना कहीं जलधाराओं का भी प्रभाव रहता है। मरुस्थल अगर कहीं पर हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पास में कहीं ना कहीं कोल्ड करंट होगी। जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको कि जैसे अभी नामीबिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर नामीब का मरुस्थल मिलता है, तो यहाँ पर बेंगुला नामक कोल्ड करंट चला करती है जिसका असर इस मरुस्थल पर दिखाई पड़ता है। साउथ अमेरिका में चिली में अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर आपको याद ही होगा कि यहाँ पर पेरुवियन करंट चलती है जिसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट की कंडीशन और भी प्रबल हो जाती है। तो पूरे विश्व भर में मैंने कहा दो तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक तो ठंडे मरुस्थल और दूसरे गर्म मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल 15 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाएंगे। रही बात मरुस्थलों की, शायद मैं गलत बोल रहा था, फिर से सुन लीजिए इसको। गर्म मरुस्थल जो पाए जाएंगे वो 15 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाएंगे, दैट इज वार्म डेजर्ट। ठंडे मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लगाकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक ये कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। हम एक एक कॉन्टिनेंट की बात करेंगे और एक एक कॉन्टिनेंट को लेते हुए हम ये बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डेजर्ट पाए जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपसे बात कर लें एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे होगा, ये अरेबियन पेरेंसुला है जिसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। इसको एक सामान्य भाषा में कह दिया जाता है अरब का मरुस्थल, लेकिन इसके कई पार्ट हैं तो जान लीजिए। जब हम यहाँ पर मरुस्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दक्षिण में यहाँ इसको कहा जाता है रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली। और ये रब अल खाली का डेजर्ट पड़ता कहाँ पर है? रब अल खाली का डेजर्ट सऊदी अरेबिया में है, यमन में है और ओमान में फैला हुआ है, ये पूरा डेजर्ट है। दूसरा एक और मरुस्थल है, इसके उत्तर में जाइए तो कुछ यहां पड़ेगा, दैट इज नेफूद, नेफूद डेजर्ट। इसके उत्तर में जाइए, देखिए सीरिया है, ये सीरिया में जब आप जाते हैं तो उसको कहा जाता है सीरियन डेजर्ट, सीरियन डेजर्ट। तो देखिए अरेबियन पेनिनसुला में ये जो सऊदी अरब वाला जो रीजन है इसमें तीन डेजर्ट हैं। फर्स्ट वन इज रब अल खाली, सेकेंड वन नेफूद और थर्ड इज सीरियन डेजर्ट। सबसे दक्षिण में रब अल खाली है, इसके उत्तर में नेफूद डेजर्ट है
और सबसे उत्तर में सीरियन डेजर्ट है। अब पूरब में चलिए, पूरब में जब आप जाएंगे तो देखिए ये ईरान देश है और ये तुर्कमेनिस्तान है। ध्यान आपको ये देना है कि यहीं पर एक और डेजर्ट मिलेगा एशिया में ही, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में ही है, दैट इज दस्ते कबीर। इसको क्या कहा जाएगा? दस्ते कबीर। और इसी से थोड़ा सा पूरब में जाइए, कुछ यहां कहते हैं इसको, तो अरेबियन पेनिनसुला में देर आर फाइव डेजर्ट। पहला रबल खाली, सेकंड नेफूत, थर्ड सीरियन डेजर्ट, फोर्थ दस्ते कबीर, और पांचवा कौन सा है? दस्ते लुत डेजर्ट। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलें। इसके बाद भारत में कौन सा मरुस्थल है? द्वारका मरुस्थल यहां पर पाया जाएगा राजस्थान में। तो ध्यान ये रखना है आपको, ये जो थार का मरुस्थल है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। तो थार का मरुस्थल, इसकी एक विशेषता भी है। थार के मरुस्थल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यह दुनिया के मरुस्थल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड डेजर्ट है ये, यानी जनसंख्या घनत्व तो यहां पर सभी डेजर्ट की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। भारत के पश्चिम भाग में है, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में प्योरली देखा जाए तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर ये डेजर्ट फैला हुआ है। हालांकि ऐसे देखा जाए तो पूरा का पूरा राजस्थान डेजर्ट में आता है, लेकिन उसको बीच से डिवाइड कर दीजिए कुछ उत्तर दक्षिण दिशा में, तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग होगा वो सेमी एरिड कहा जाएगा, अर्धशुष्क कहा जाएगा, और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसको एरिड क्लाइमेट कहेंगे, यानी शुष्क जलवायु कहेंगे, प्योर गर्म मरुस्थल कहेंगे। यहां तक क्लियर है? इसके बाद एक और डेजर्ट देखिए, चाइना के इस पश्चिमी भाग में है, दैट इज तकला मकान। तकला मकान राजस्थान, सॉरी चाइना के पश्चिमी भाग में। और चाइना के उत्तर में देखिए देश है मंगोलिया। मंगोलिया में भी एक डेजर्ट है और इसको कहा जाता है, जो मंगोलिया में डेजर्ट है, दैट इज गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट। दरअसल ये जो तकला मकान है या मंगोलिया में पाया जाने वाला जो गोबी डेजर्ट है, इसमें एक समानता है। समानता ये है कि तकला मकान डेजर्ट में भी आपको रेत के ढेर मिलते हैं, ड्यून्स मिलते हैं। ड्यून्स समझ रहे हैं ना, सैंड ड्यून्स, रेत के ढेर, जिसको बालू का स्तूप कहा जाता है। रेगिस्तानों की विशेषता ही होती है। और इसी तरह की ये कुछ चीजें मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में भी पाया जाता है, शुष्कतम है। और आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो डेजर्ट है तकला मकान और गोबी डेजर्ट, ये क्यों इस तरह से हैं? तो ध्यान ये रखना है आपका, जब फिजिकल पार्ट आप देखेंगे इसके आसपास, तो ये जो डेजर्ट है ना, ये चारों तरफ से पर्वतों से, पठारों से घिरा हुआ है। गोबी डेजर्ट भी और ये तकला मकान वाला एरिया भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई स्थलखंड ये किसी भी महाद्वीप के या किसी भी स्थल के अंदरूनी हिस्सों में पाया जा रहा है, इनर पार्ट में, तो वो सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाएगा और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाएगा। दरअसल जब आप गोबी डेजर्ट और तकला मकान डेजर्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि तकला मकान और गोबी ये डेजर्ट है ही नहीं है। उनका अपना तर्क है, क्योंकि वर्षा भी यहाँ पर इतनी कम तो नहीं होती है कि डेजर्ट बिल्कुल हो।
वर्षा थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन शुष्कता फिर भी बनी रहती है, क्योंकि वर्षा होती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि यहाँ पर बिल्कुल ये कहा जाए कि डेजर्ट नहीं है। तो एक डिस्प्यूट जैसा लोगों में रहता है कि तकला मकान और गोभी को डेजर्ट माना जाए या ना माना जाए, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको डेजर्ट ही मान के चलिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा संस्था है, चाहे वो UPSC हो या प्रोविंशियल जो सिविल सर्विसेज जो कंडक्ट कराती हैं संस्थाएं, वो सब मानते हैं कि तकला मकान और गोभी एक डेजर्ट है। इसके अलावा कुछ और भी डेजर्ट हैं दो, जैसे ये देखिए कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर में जब आप यहां रहेंगे इस जगह के पास, थोड़ा सा इसके कैस्पियन सागर के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, तो यहां पर एक डेजर्ट पाया जाता है, दैट इज कराकुम डेजर्ट। और इसके थोड़ा सा उत्तर में जाइए तो देखिए ये अरल सागर है। अरल सागर में दो नदियां गिरती हैं, एक है सिरदरिया और दूसरा है, दूसरी नदी अमूदरिया। इसके दोनों नदियों के बीच में भी एक डेजर्ट है और उस डेजर्ट का नाम है जिल कुम डेजर्ट। तो यहां पर कैस्पियन सागर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में डेजर्ट है, दैट इज कराकुम डेजर्ट। आप कह सकते हैं कि ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पड़ेगा, कराकुम डेजर्ट। और अरल सागर में जो दो नदियां गिर रही हैं, आमूर दरिया और सिर दरिया, तो दोनों नदियों के बीच में भी एक डेजर्ट है, दैट इज कजिलकुम। और कजिलकुम जो डेजर्ट है ये कजाकिस्तान में पड़ेगा और उज्बेकिस्तान में पड़ेगा। तो आप देखिए एशिया में कितने डेजर्ट हो गए, रबल खाली, नेफूट डेजर्ट, सीरिया डेजर्ट, दस्ते कबीर डेजर्ट, दस्ते लुत डेजर्ट, कराकुम डेजर्ट, कजिलकुम डेजर्ट। और देखिए इंडिया में और पाकिस्तान में फैला हुआ थार का डेजर्ट, तकला मकान डेजर्ट और गोभी डेजर्ट, ये इतने डेजर्ट हो गए एशिया में। इसके बाद देखिए हम बात कर लें आपसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो अफ्रीका में देखिए क्या है, अगर हम गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो दुनिया का जो सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल, वो देखिए कुछ यहां से इसको आप ऐसे बनाइए और ये देखिए ये दैट इज सहारा डेजर्ट। अगर आपको ये जानकारी है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है दैट इज अंटार्कटिका का मरुस्थल है वो। लेकिन हाँ, गर्म डेजर्ट की बात की जाएगी, वार्म डेजर्ट की बात की जाएगी, गर्म मरुस्थल की, तब आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। अब देखिए सहारा डेजर्ट कौन कौन से देशों में फैला है। सहारा डेजर्ट देखिए सूडान में है, चाड में है, नाइजर में है, माली में है, मौरितानिया में है, वेस्टर्न सहारा में है, मोरक्को में भी है, ट्यूनिशिया में भी है, लीबिया में भी है, इजिप्ट में भी है। इन सभी देशों में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। शुष्कता बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा और प्योर डेजर्ट की जो कंडीशन होती है वो सब यहाँ पाई जाती है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सहारा डेजर्ट है। इसके बाद देखिए देखिए नामीबिया है। तो नामीबिया के इस कोस्टल रीजन में यहां पर देखिए, यहां पर भी एक डेजर्ट मिल रहा है, दैट इज नामीब डेजर्ट। कोई बता सकता है नामीब डेजर्ट क्यों बना होगा? नामीब डेजर्ट इसलिए बनता है, देखिए
जब आप ओशन करेंट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ओशन करेंट होती है दैट इज बेंगुला, वो कुछ इस तरह से फ्लो करती है ऐसे, कोल्ड करेंट है। तो ओशन करेंट्स में हमने आपको बताया ही है कि अगर कहीं पर कोल्ड करेंट है तो वहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर नहीं उठेंगी, बल्कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, यानी हवाओं में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। यानी एक तरह से ऐसे कहा जाए कि ऐसे क्षेत्रों में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, प्रतिचक्रवाती दशाएं होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंगुला जलधारा के कारण यहाँ पर नामीब मरुस्थल का विकास होता है ना, नामीबिया में। उसके बाद देखिए ये देश है बोत्सवाना, बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। बोत्सवाना में आपको याद ही होगा कि बुशमैन एक जनजाति पाई जाती है, कालाहारी के बुशमैन। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, बोत्सवाना में। ये जो बोत्सवाना का ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कौन सा मरुस्थल मिल रहा है, दैट इज कालाहारी डेजर्ट। जनजाति कौन सी मिल रही है, मिलेगी यहाँ पर, कौन सी ट्राइब्स है, बुशमैन, कालाहारी के बुशमैन। चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो, कई बार ये प्रश्न बना पूछा जा चुका है आपसे, बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती, दैट इज कालाहारी। और कालाहारी डेजर्ट कौन से देश में है, तो वो बोत्सवाना में है। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में देखिए तो यहाँ पर वार्म डेजर्ट नहीं है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट दो देशों में फैले हुए हैं, चिली में और अर्जेंटीना में। आपने एक मरुस्थल का नाम सुना होगा अटाकामा, अटाकामा। बहुत लोग कहते हैं कि अटाकामा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। नहीं, ये ठंडा मरुस्थल नहीं है, ये दरअसल क्या है अटाकामा, ये अटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट कहा जाएगा। ड्राइएस्ट का मतलब शुष्कतम, शुष्कतम मरुस्थल। कहाँ मिलता है ये चिली में पाया जाएगा, और थोड़ा सा हिस्सा इसका अर्जेंटीना में होगा। तो कभी भी अगर ये प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा होगा, ये होगा अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा के जब आप पूरब में जाएंगे तो यहां पर एक और डेजर्ट मिलता है, दैट इज पेंटागोनिया, पेंटागोनिया डेजर्ट। और ये पेंटागोनिया डेजर्ट कौन से देश में है, ये अर्जेंटीना में है। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये जो चिली में, जब चिली और अर्जेंटीना में जो अटाकामा डेजर्ट मिल रहा है, तो यहीं पर एक देखिए एक शहर है अरिका सिटी, अरिका सिटी। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी के मासिनराम में होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, चिली के अरिका सिटी में होती है। एक प्रश्न और यहाँ से कई कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये किस खनिज, किस मिनरल्स के निक्षेप के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर किस मिनरल का डिपॉजिट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो डिपॉजिट यहाँ पर किसका है, सबसे ज़्यादा कॉपर का है, तांबा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, तांबा। इसलिए आपको याद ही होगा कि चिली जो है ये तांबा के उत्पादन में एक बड़ा ही अहम स्थान रखता है पूरी दुनिया में। तो साउथ अमेरिका में मैंने क्या बताया आपको, दो डेजर्ट, अटाकामा और दूसरा पेंटागोनिया। अटाकामा कहाँ पर है,
चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी पृथ्वी पर स्थित सबसे शुष्क मरुस्थल है, और पेंटागोनिया जो डेजर्ट है दैट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना में। आगे चलें, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके ठीक दक्षिण में मेक्सिको है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर यहां एक मरुस्थल है दैट इज सोनोरान। सोनोरान डेजर्ट, अगर पूछा जाए कि सोनोरान डेजर्ट कौन से देश में है तो आप बताएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको में है। इसके थोड़ा सा उत्तर में जाइए कुछ यहां पर, तो यहां पर एक और डेजर्ट है दैट इज मोजाओ डेजर्ट। मोजाओ डेजर्ट, और इसके और उत्तर में जाइए समथिंग कुछ यहां पर दैट इज ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो नॉर्थ अमेरिका में तीन डेजर्ट है, यहां पर देखिए सोनोरान डेजर्ट लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और मैक्सिको में है सोनोरान डेजर्ट। उसके थोड़ा सा उत्तर में जाइए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है मोजाओ का डेजर्ट, मोजाओ मरुस्थल, और इसके और उत्तर में जाएंगे यहां पर तो ये दैट इज ग्रेट बेसिन कहा जाता है, ये भी एक डेजर्ट कंडीशन वाला स्थान है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के वेस्टर्न पार्ट पे डेजर्ट पाया जा रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन देखिए ये होगा कि जब जो जलधाराएं चलती है ना तो वो जलधारा अभी क्या है कि इसके अलास्का तक तो ये कोल्ड ही रहती है, अलास्का तक तो गर्म ही रहती है ये जलधारा यहाँ से आ रही है, लेकिन आपने एक अपवेलिंग सिस्टम का नाम सुना होगा कि जो जल है वो नीचे से ऊपर की तरफ निकलता रहता है, तो यही जो अलास्का करंट है जब ये अलास्का करंट और थोड़ा साउथ में आती है कुछ यहाँ पर तो यहाँ पर एक अपवेलिंग सिस्टम डेवलप होता है, और उस अपवेलिंग सिस्टम के डेवलप होने की वजह से यहीं से जलधारा धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो वार्म करंट की तुलना में धीरे धीरे ठंडी होने लगती है यानी कोल्ड करंट में वो बदलने लगती है, और करंट का नाम बदल के क्या हो जाता है, कैलिफोर्निया करंट हो जाता है, कैलिफोर्निया करंट है ना। तो कैलिफोर्निया करंट के इस तट पर प्रवाहित होने की वजह से सोनोरान का डेजर्ट, मोजाव का डेजर्ट, इन सब का निर्माण हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी डेजर्ट के बनने पर ओशन करंट्स का रोल होता है, किसी भी डेजर्ट के बनने पर वो स्थान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पास कितना है, दक्षिणी गोलार्ध के पास कितना है, अगर ये उत्तरी ध्रुव के पास होगा या दक्षिणी ध्रुव के पास होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर टेम्परेचर कम ही होगा, और जब वर्षा नहीं होगी और हिमपात ज़्यादा होगा तो डेजर्ट जैसी ही कंडीशन होगी। 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में अगर महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है तो वहाँ पर भी डेजर्ट ही पाए जाएंगे, जिसके पीछे रीज़न यह है कि हवाएं वहाँ पर ऊपर से नीचे उतरती हैं। तो ये सारे कारण मिला के ये दर्शा देते हैं जिसकी वजह से किसी भी मरुस्थल का निर्माण वो होता है, और वो कभी ठंडा हो सकता है स्थान विशेष के अनुसार अगर भूमध्य रेखा के नजदीक है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, और अगर वो 30 या 35 डिग्री से और अधिक उत्तर या दक्षिण में है तो वो ठंडा मरुस्थल हो सकता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद जैसे मैंने मरुस्थल की बात हम लोगों ने कर लिया एशिया में, मरुस्थल की बात कर लिया हमने अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में कर लिया, नॉर्थ अमेरिका में कर लिया, अब हम मरुस्थल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखिएगा, यहां पर जब आप जाएंगे ये जगह स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, और इसके उत्तर में जाएंगे तो सिम्पसन डेजर्ट, और इसके उत्तर में जाएंगे दैट इज कनामी डेजर्ट। तो स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन और कनामी डेजर्ट है। और इसके थोड़ा सा पश्चिम में आइए तो यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, टिप्सन डेजर्ट, और सबसे उत्तर में एक डेजर्ट है इसका नाम क्या है, दैट इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यहाँ पर ये। तो टोटल यहाँ पर हालांकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये टोटल पश्चिमी हिस्सा है ना, ये डेजर्ट ही है, लेकिन ये छह डेजर्ट आप जब कभी एटलस देखेंगे तो उसमें ये छह डेजर्ट आपको अलग अलग दिखाए जाते हैं, तीन इस क्रम में है, तीन इस क्रम में। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये टोटल मरुस्थल पाए जाते हैं। एक प्रश्न जरूर और आगे बनेगा आपसे, प्रश्न ये बनेगा कि विश्व का वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते, तो कौन सा होगा, दैट इज यूरोप। यूरोप में मरुस्थल नहीं मिलते हैं, और बाकी एशिया में मरुस्थल मिलेंगे, अफ्रीका में मरुस्थल मिलेंगे, साउथ अमेरिका में मरुस्थल मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में मरुस्थल मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल मिलेंगे। कुछ चीज़ें और भी मैं क्लियर कर दूं आपको जो आप शायद कंफ्यूज हों। अगर आपसे ये पूछा गया कि बिगेस्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज अंटार्कटिका साउथ पोल के पास, और वो डेजर्ट कैसा है, दैट इज कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा डेजर्ट, यहां पर पाया जाएगा। एशिया में आप रहते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, जैसे मैंने आपको अरेबियन पेनिनसुला में बताया, अरेबियन पेनिनसुला में कई डेजर्ट हैं, जैसे रबल खाली है, नेफूद है, सीरिया है, दस्ते कबीर है, दस्ते लुत है, ये सारे मरुस्थल हैं अरेबियन पेनिनसुला में, जिसको अगर एक देखा जाए तो एक बड़े मरुस्थल के रूप में दिखाया जाता है बार बार। तो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल ये अरब का ही मरुस्थल माना जाता है। अगर ऑप्शन में अरब का मरुस्थल नहीं है तब एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, तब होगा गोबी का डेजर्ट, गोबी डेजर्ट यहाँ पर, यानी बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट दैट इज अरेबियन डेजर्ट। और अगर अरेबियन डेजर्ट ऑप्शन में नहीं है फिर कौन सा होगा, दैट इज गोबी डेजर्ट। तो ये प्रमुख जो डेजर्ट हैं ये पूरे विश्व के हैं। अगर आपसे कभी इकोलॉजी में एक प्रश्न कर लिया जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, बिगेस्ट बायोम, तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में जो बिगेस्ट बायोम है दैट इज वो डेजर्ट बायोम होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है बार बार, और मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि डेजर्ट पूरी विश्व भर में कहाँ कहाँ पर, ठीक है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल।